Hey guys, I'm Preeti and welcome back to my channel, The Homemaker Style Corner. So guys, breakfast is an important meal of the day and you should never skip that. And जब बात आती है healthy breakfast option की, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है smoothies. Because smoothies are power packed with nutrients, they are low in sugar, high in protein, fiber and healthy fats, and they keep you full for a longer period of time. ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखती हैं, डाइजेशन में आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं एंड आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी कंट्रोल करती हैं. सो गाइज, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 4 पर्सनल फेवरेट स्मूदीज रेसिपीज़, जिसे मुझे ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक में लेना पसंद है. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाना एंड दे टेस्ट जस्ट अमेजिंग. सो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, फॉर माई फर्स्ट स्मूदी आई हैव टेकन दीज फ्रूट्स. और इस स्मूदी को बनाने के लिए मैंने मेन बेरीज़ का यूज़ किया है. तो यहाँ पर मैंने ली हैं स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज और कुछ ग्रेप्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि ग्रेप्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस स्मूदी में. एंड इसके अलावा गाइज, मैं इसमें एक वेजिटेबल भी ऐड करने वाली हूँ, दैट इज़ सैलरी. अगर आपको ये मार्केट में मिलता है तो इसे ज़रूर ऐड करें, बट नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप दैट. और सैलरी के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं आपकी बॉडी के लिए. इट कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी, इसमें फाइबर होता है, फोलेट होता है, आपकी डाइजेशन को ये ठीक रखता है. साथ ही साथ जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी बॉडी से ये फैट्स और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्पफुल होते हैं, आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करते हैं. एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ बेरीज़ की, तो बेरीज़ आर पैक्ड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स, विटामिंस, फाइबर, प्रोटीन्स. इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है गाइज, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड आपके इंसुलिन लेवल को, शुगर लेवल को ये कंट्रोल रखते हैं. एंड जो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन फाइट अगेंस्ट कैंसरस सेल्स. एंड गाइज, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि मैं सारी स्मूदीज में ऐड करने वाली हूँ, एंड ये है चिया सीड्स. गाइज, चिया सीड्स को सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज दे आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, फाइबर, आयरन एंड कैल्शियम, एंड दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाते हैं. एंड साथ ही साथ दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड वेट लॉस. सो ये आप ज़रूर ऐड करें. एंड इसके अलावा यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ क्रैनबेरीज, तो ये फ्रोजन क्रैनबेरीज हैं. अगर आपको फ्रेश वाली मिलती है तो वो भी डाल सकते हैं, बट वो थोड़ी सी मिलना मुश्किल होती हैं, तो ये मैं फ्रोजन क्रैनबेरीज इसमें ऐड करूँगी. सो उसके बाद आप ले लीजिए एक ब्लेंडर और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर दीजिए वन बाय वन. तो यहाँ पर मैंने डाल दी है स्ट्रॉबेरीज, जिसे मैंने कट कर लिया था. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ग्रेप्स एंड देन आई एम एडिंग दीज सेलरी पीसेस. तो गाइज, सैलरी वाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको मिलता है तो डालिए, नहीं मिलता है तो यू कैन स्किप दैट. तो यहाँ पर मैंने ये सब डाल दिया है. उसके बाद मैं डालूंगी ये फ्रोजन क्रैनबेरीज. सो क्रैनबेरी से भी बहुत अच्छा एक टैंगी फ्लेवर मिलता है इस स्मूदी को. एंड देन आई एम एडिंग दीज चिया सीड्स गाइज. चिया सीड्स को मैं रॉ डालना पसंद करती हूँ, बट अगर आपको ये रॉ फ्लेवर इसका पसंद नहीं है तो आप इसे सोक करके भी डाल सकते हैं, बट रॉ डालने से बहुत ही एक अच्छा एक नटी फ्लेवर मिलता है स्मूदी में, तो मैं इसे ऐसे ही डालती हूँ. और उसके बाद मैं गाइज यहाँ पर ले रही हूँ अपनी किचन से ये फ्रेश बेजिल लीव्स. मैं इसे वॉश कर लूँगी और फिर इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद आपको करना है इसे ब्लेंड. सो स्मूदी रेडी हो चुकी है. अब मैं ले लूँगी एक ग्लास और उसमें इसे पोर कर दूँगी. उसके ऊपर से डालूँगी चिया सीड्स, इससे बहुत अच्छा नटी फ्लेवर मिलेगा स्मूदी को. एंड फॉर एक्स्ट्रा फ्रेशनेस एंड गार्निशिंग, मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी फ्रेश बेजिल लीव्स. और अब आप इस स्मूदी को इन्जॉय कर सकते हैं. एंड गाइज, जिन लोगों को अपनी स्मूदी में दूध या दही का टेस्ट पसंद नहीं है, उनके लिए एकदम परफेक्ट स्मूदी है. आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें एंड कॉमेंट करके मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी. दिस इज़ फुल of nutrients, very tasty and very healthy. For my second smoothie, I have taken only 2 fruits, banana and mango. और ये दोनों ही fruits बहुत ही easily market में मिल जाते हैं. Banana हर season में मिल जाएगा and mango का भी season start हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो ये भी आपको market में मिल जाएगा. And again मैंने लिए हैं यहाँ पर raw chia seeds 1.5 teaspoon. एंड अगर आप इसे सोक करके डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड उसके बाद मैंने अपनी किचन से ले लिए हैं फ्रेश मिंट लीव्स, यानी कि पुदीना के पत्ते. इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस स्मूदी में. जस्ट बिकॉज माई मैंगोज आर नॉट दैट स्वीट, तो मैं एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए यहाँ पर हनी ऐड करूँगी, बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू ऐड हनी, नो प्रॉब्लम, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं.
उसके बाद मैं ले लूंगी एक ब्लेंडर और उसमें ऐड करूंगी ये रफली चॉप किए हुए मैंगोज। सो गाइज, मैंगोज आर ऑल्सो रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स और इसमें भी होते हैं ढेर सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं अपनी स्मूदीज में। एंड देन आई एम एडिंग दिस बनाना एंड बनाना इज़ ऑल्सो पैक्ड विद पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइबर एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड इससे भी आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं फ्रेश मिंट लीव्स यानी कि पुदीना के पत्ते एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये रॉ चिया सीड्स एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 1 teaspoon हनी और हनी जो है मैंने इतना ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं एंड उसके बाद हमें इसे कर लेना है बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंड और ब्लेंड होने के बाद इसमें हमें ऐड करना है अराउंड 1/2 cup दूध। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं एंड दूध डालने के बाद आपको इसे अगेन ब्लेंड कर लेना है एंड आपकी स्मूदी जो है वो रेडी हो जाएगी। एंड रेडी होने के बाद मैं इसे ग्लास में पोर कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे गार्निश कर लूंगी चिया सीड्स और फ्रेश मिंट लीव से एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, दिस स्मूदी इज नाउ रेडी टू ड्रिंक। इसे पीने के बाद आपको कम से कम 3-4 घंटे तक बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी कुछ भी खाने की एंड दिस स्मूदी इज वेरी रिच, टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग। इसे ट्राई जरूर करिए। सो थर्ड रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक सेब यानी कि एप्पल और मैंने इसके पील्स कट नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके पील्स कट करके भी ऐड कर सकते हैं और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं बीट रूट एंड जस्ट लुक एट द कलर, तो ये मैंने एक बीट रूट लिया है यानी कि चुकंदर और इसे कट कर लिया है चंक्स में एंड देन आई हैव टेकन दिस ऑरेंज एंड उसके भी स्लाइसिस मैंने निकाल लिए हैं एंड अगेन चिया सीड्स में इसमें ऐड करूँगी और ये है गाइस फ्लैक्स सीड पाउडर यानी कि अलसी के बीज का पाउडर, तो ये मुझे रेडीमेड मिल गया था बट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अलसी के बीज लेके उसे हल्का सा रोस्ट करके भी इसका पाउडर जो है वो बना सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको आगे बताऊंगी। An apple a day keeps a doctor away. तो मैं ले लूँगी एक ब्लेंडर और इसमें ऐड करूँगी ये रफली कट किया हुआ एप्पल। सो गाइज, एप्पल्स आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी एंड सी, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर होता है एंड ये आपकी डाइजेशन के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ऑरेंज स्लाइसेस, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं। ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, फाइबर, इसमें होते हैं ढेर सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देन आई एम एडिंग दीज बीट रूट्स एंड मिंट लीव्स एंड बीट रूट्स आर ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी एंड दे आर लो इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। तो नारियल पानी का इस स्मूदी में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा गाइस। तो ये रेडीमेड वाला जो कोकोनट वाटर है आजकल इजीली मिल जाता है मार्केट में, ये मैंने लिया है बट अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसमें फ्रेश वाला भी कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं बट अगर इन केस वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे नॉर्मल पानी के साथ बनाइए। अराउंड 1/2 cup आपको लेना है नॉर्मल पानी, उसके साथ आप इसमें बना सकते हैं बट नारियल पानी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इस स्मूदी में। तो इस तरह से ये नारियल पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है अराउंड 1/2 cup और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिया सीड्स एंड अराउंड 1.5 teaspoon फ्लैक्स सीड पाउडर। दीज आर ऑल्सो एक्सलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड दे ऑल्सो कंट्रोल ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है ब्लेंड एंड गाइज मैं इसमें हनी डालना भूल गई थी तो हनी इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूंगी एंड इसे अगेन ब्लेंड कर लूंगी एंड ब्लेंड करने के बाद स्मूदी हो जाएगी रेडी। देन अपने फेवरेट चिया सीड्स और मिंट लीव से मैं इसे कर लूंगी गार्निश एंड नाउ दिस स्मूदी इज रेडी टू ड्रिंक एंड जस्ट लुक एट द कलर गाइज, वाओ, इट लुक्स अमेजिंग। ये जितनी टेम्पटिंग आपको देखने में लग रही है उतनी ही ये टेस्टी भी है, सो डू ट्राई इट वंस। तो जो लास्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर आपने इससे पहले ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और ना ही ट्राई की होगी, तो ये स्मूदी मैं बनाने वाली हूँ इससे। एंड गाइस, दिस इज एवोकाडो। एवोकाडोज आर नोन एज सुपर फूड्स, दे आर रिच इन विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम एंड दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर एंड हेल्दी फैट। एंड एवोकाडोज आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड एवोकाडो से ये स्मूदी इतनी ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस बनेगी
कि गाइस आप इसे बार बार बनाएंगे। सो इस तरह से मैं एवोकाडोस को पील ऑफ कर लूँगी, कट कर लूँगी, एंड आप देख सकते हैं कि बाहर से एकदम डार्क ग्रीन कलर का है एंड अंदर से ये लाइट ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी और इसे चंक्स में काट लूँगी। एवोकाडोस को मैंने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया है एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिए फ्रेश बेसिल लीव्स। और दूसरा फ्रूट जो इसके साथ मैं ऐड करूँगी वो है ये आम, मैंगो। मैंने एक आम को अच्छे से कट कर लिया है। तो एवोकाडोस एंड मैंगोज, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो होता है, बहुत ही टेस्टी स्मूदी बनती है इससे। बट अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है या मिल नहीं रहा है तो आप इसकी जगह पर बनाना भी ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज इसमें आपको ऐड करना है ये कर्ड। तो थिक कर्ड मैंने ले लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। एंड चिया सीड्स, अगेन चिया सीड्स इसमें आपको ऐड करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक ब्लेंडर में आप डाल लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंड गाइस, जस्ट आपको इसे ब्लेंड करना है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल लीजिए, कर्ड भी डालना है आपको, चिया सीड्स डालने हैं एंड उसके बाद स्वीटनेस के लिए आपको इसमें डालना है हनी। अगर आप इसे विदाउट हनी बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ योर चॉइस, हनी के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। सो ब्लेंड करने के बाद मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने इसमें ऐड कर लिया बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसे अगेन मैंने ब्लेंड कर लिया। एंड ब्लेंड करने के बाद मेरी स्मूदी रेडी हो गई। एंड गाइस मैं इसमें जिंजर पेस्ट डालना भूल गई थी तो मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे स्मूदी में। एंड येस, आपकी स्मूदी हो गई है रेडी। अब मैं इसे कर लूँगी पोर ग्लास में और इसे गार्निश कर लूँगी एज यूजुअल चिया सीड्स और बेसिल लीव्स। So you can see guys, this smoothie is super rich, creamy and super super delicious. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए guys. इसे आप एक बार पियेंगे ना तो आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। I really hope कि आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे एंड अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करेंगे। सो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।